चक्षु की रसोई में आज हम बना रहे हैं नमकीन चावल। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 प्याज, 2 टमाटर, 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 कटोरी मटर, 1 बड़ी कटोरी आलू और 5 से 6 कलियां लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। ये लिए मैंने 1 कप चावल जिसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। और इसके लिए हमें चाहिए 2 गुना पानी और इसे हम बनाएंगे सरसों के तेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा और साथ ही में थोड़ी सी हींग। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज। इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। हमारे प्याज अब हल्के सुनहरे हो गए हैं और इनमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इन्हें 2 से 3 मिनट तक भून लूंगी। हमारे टमाटर अब अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और अदरक जिसे हमने कद्दूकस किया था। और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी तड़के के अंदर सीधा प्याज या लहसुन ना डालें, इससे ये जल जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसे हमेशा टमाटर डालने के बाद ही डालें ताकि इसका फ्लेवर अच्छा बना रहे और इसमें से अच्छी सी खुशबू आती रहे। अब मैं इसमें डालूंगी मटर। और साथ ही में आलू। इसे थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक।
उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे भिगोए हुए चावल। और साथ ही में हम डालेंगे पानी। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा। तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लें कि कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है और उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। बस अब इसका ढक्कन बंद करके हम इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। अब इसका प्रेशर रिलीज हो गया है तो मैं इसे खोल के देख रही हूँ। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारे गर्मा गर्म चटपटे नमकीन चावल। गर्मा गर्म चावल के ऊपर घी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया।